वेलकम बैक एवरीवन। आने इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्यूज इन्फोकॉम लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले बिजनेस से शुरुआत करेंगे। तो जो कंपनी का बिजनेस है यहाँ पे, जो कंप्यूटर पार्ट्स हो गए, पेरिफेरल्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए और टेलीकॉम प्रोडक्ट्स हो गए, बट इनका जो मेजर बिजनेस है वो कंप्यूटर पार्ट्स और पेरिफेरल्स का ही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इनका जो इनिशियल मॉडल था वो ये था कि ये स्ट्रेटेजिक लिंक की तरह एक्ट करते थे बिटवीन वेंडर्स एंड पार्टनर, thus readying them for unprecedented levels of business performance by catering to SOHO, SMB, mid-size, large enterprise and government organization across various industry verticals. आज की डेट में अगर आप बात करेंगे जो पेरिफेरल और सॉफ्टवेयर पेरिफेरल बिजनेस होता है, सबसे पहले उसके बारे में बात करें तो उसका डिमांड है, मगर उसके लिए मार्केट में बहुत बड़ी कंपनीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एंड कोई भी अगर आप यूजर पूछेंगे या फिर आप कंपनी की बात करेंगे तो वो हमेशा जो है एक बड़ी कंपनी से लेना प्रेफर करेंगे जिनके पास बड़े आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करने की क्षमता हो। तो मुझे लगता है वैसे आपको देखना चाहिए। आईटी कंज्यूमर 55% है और आईटी एंटरप्राइज सॉल्यूशन 33% है यहाँ पे, जो इनके सर्विसेज मिक्स आता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की, तो देखिए आरओई नेगेटिव के अंदर है और सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, मतलब जो कॉम्पिटिशन है वो अल्टीमेटली बीटअप कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे देखने वाला। एंड स्टॉक में डिक्लाइन जो देखने को मिला था 26 रुपये से, वो भी थोड़ा सा हार्श नोट पर था इन्वेस्टर्स के लिए, मैं ये चीज़ कहूँगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस कंपनी के सेल्स के बारे में, तो देखिए सेल्स के साथ कंपनी कोप अप नहीं कर पा रही है। 2022 में 4200 करोड़ की सेल्स गेन कर ली थी और उसके बाद वापस 3700 करोड़ का है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे 2016 की अगर हम लोग बात करते हैं, 2016 से 2023 सेवन लॉन्ग ईयर्स के अंदर भी कंपनी में अगर आप इन एंड आउट देखोगे तो कोई ग्रोथ नहीं है, सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। एक आध ईयर में बड़े ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो वो क्वार्टर थोड़ा सा हिट होता है। जैसे यहाँ पे 26 दिसंबर 2022 का आर्टिकल है जहाँ पे कॉम्प्यूज को यहाँ पे बॉश की तरफ से सीसीटीवी सर्विलेंस सॉल्यूशंस को ऑर्डर मिल गया था, तो उसकी वजह से कंपनी बढ़ जाती है, बट इन एंड आउट कंपनी में कोई दम नहीं नजर आता। फिर लास्ट कंपनी ने राइट इशू भी करा। अब राइट इशू किस केस में होता है, जब कंपनी को कैश क्रंच होता है, तो अगेन कंपनी जो है फाइनेंशियल स्ट्रगल में है इस समय, ऐसा नजर आता है। 476 करोड़ के बोरिंग्स है उसके अगेंस्ट में, 150-156 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं। अब देखो रिजर्व्स कम करे हैं कंपनी ने और बोरिंग्स कम हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी कैश इतना जनरेट कर ही नहीं पा रही है कि वो अपने बिजनेस को इजीली चला पाए। साथ ही में प्रोमोटर्स कॉन्टिन्यूसली अपने स्टेक को सेल ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे भी रिलेटेड एक न्यूज थी, मैं आपको दिखाता हूँ। इनसाइडर्स एट कॉम्प्यूज इन्फोकॉम सोल्ड 66 मिलियन ऑफ स्टॉक पोटेंशियली इंडिकेटिंग वीकनेस। इस आर्टिकल को आकर वैसे आप पढ़ सकते हैं, ये डेफिनेटली वर्थ रीड है, मैं आपको कहूंगा। FIIs ने अपने स्टेक को खत्म कर दिया बिल्कुल ही, और पब्लिक के पास में स्टेक ऐड होता जा रहा है। तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जितने भी हार्डवेयर के बिजनेसेस हैं आज की डेट में, उसके अंदर एक तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पे, एंड सेकेंडली हर एक OEM के पास में एक ट्रस्टेड सप्लायर होता है जिसको वो प्रेफर करते हैं। ये कंपनी प्रेफरेंस में नहीं आती हुई नजर आ रही है, तो मुझे लगता है आपको उस फैक्टर को भी ध्यान देना चाहिए। एनीवेज यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं चार्ट्स पर, तो देखिए एक जोन जो है वो हमें क्लियरली नजर आ रहा है। एक इनिशियल रेजिस्टेंस है यहाँ पे स्टॉक में समवेयर क्लोज डाउन टू 14.75 रुपीज, एंड उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है जहाँ जिस जोन में स्टॉक चलता हुआ नजर आया वो 16.50 रुपए पे एंड होती है, जहाँ पे 200 EMA भी एक्चुअली में ब्रेक हो जाएगा। एंड ये जो जोन है इसके अंदर स्टॉक अभी हमें घूमता हुआ नजर आ रहा है। देखो आइडली अगर आप हमसे कहोगे, हम कभी भी ऐसे स्टॉक में पोजीशन नहीं बनाएंगे और जिसका बिजनेस इस तरीके से सस्टेनेबल ही ना नजर आ रहा हो। और सेकंड फैक्टर यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि इस जोन में बाय करना इन एंड आउट वैसे भी मुश्किल होता है, बॉटम आउट हो सकता है यहाँ पे, बट रिवर्सल्स का वेट करना चाहिए अगर आपने पोजिशन बनानी है। तो एक बार यहाँ पे चलते हैं वापस से कॉम्प्यूज इन्फोकॉम का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे नजर डालते हैं, वो डिस्कस करना भूल गए थे। तो 2% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि यहाँ कंपनी ट्रेडिंग के बिजनेस में ज्यादा है। अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग में इतना मार्जिन मिलता नहीं है, 2-3% का मार्जिन है, थिन मार्जिन है। अदर इनकम का कंपोनेंट आ रहा है जिसकी वजह से मेजरली सर्वाइव कर रही है कंपनी, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट भी इनके ऊपर काफी ज्यादा है एंड ईयर पर ईयर ये कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वो भी एक फैक्टर आपको देखना चाहिए। देखो चार्ट्स पे अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे बात करें, अगर यहाँ बॉटम फॉर्मेशन होती है तो अच्छा टाइम बनेगा पोजिशन बनाने का समवेयर क्लोज डाउन टू 16.50 रुपए के ऊपर। एंड ये जो स्ट्रेच है ये आपका इनिशियल लेवल रह सकता है, बट
लाइक आई सेड 18-19% का लेवल है, 19 रुपए 75 पैसे के लेवल्स की तरफ। बट लाइक आई सेड, ऐसी कंपनीज में हम कभी भी पैसे नहीं डालते हैं। एंड यहाँ पे आपको अपना रिसर्च जरूर करना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।